गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स सभी को। और अभी हम उठे ही थे और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्नोवी का दोस्त आ गया है और ये रोज सुबह आ जाता है स्नोवी से मिलने। पर इसको स्नोवी मिलता नहीं है क्योंकि यार स्नोवी है नहीं, वो उसकी डेथ हो गई है, बट उससे मिलने आता है ये। फ्रेंड्स जब हम रात को सो गए थे उसके बाद तकरीबन 11:30 बजे के बाद यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ आंगन की क्या हालत हो गई है। तो फ्रेंड्स आप यहां से अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी ज़्यादा बारिश हुई होगी। जो आंगन है उसकी मतलब पूरी की पूरी मिट्टी उखड़ गई है, आप देख सकते हैं। आप में से किसी एक सब्सक्राइबर ने मुझे बोला था कि आप सनराइज़ की वीडियो बनाना, तो यार मैं आज लेट हो गया थोड़ा सा, तो कल ट्राई करूँगा लेकिन बनाऊँगा ज़रूर। तो आपको अभी का व्यू बता देता हूँ, अभी का व्यू कैसा है। फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी जैकू यहाँ पर बैठ गया है और ये तब तक नहीं जाएगा जब तक इसको रोटी नहीं मिल जाती है। तो अब तक रोटी नहीं बनाई हमने, तो इसको रोटी देंगे फिर ही जाएगा, ये ऐसे नहीं जाता ये। तो फ्रेंड्स अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं मम्मी आम काट रहे हैं दोबारा से। तो ये किसके लिए काट रहे हैं? चार। अच्छा, इसका अचार डलेगा, आप देख सकते हैं। अचार की मेकिंग आपको कल वाले ब्लॉग में दिखाऊँगा क्योंकि एक दिन में नहीं डलेगा, तो कल डालेंगे हम अचार। और यहाँ पर दीदी बना रही है रोटियाँ, तो अभी आज हम बाहर बना रहे हैं। तो फ्रेंड्स अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर में पेंट हो गया है और कितना अच्छा लग रहा है ये, आप देख सकते हैं। और व्यू भी कितना मस्त हो रहा है। फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं ये था हमने यहाँ पर पहले कच्ची ईंटें लगाई गई थी, फिर उसके बाद यहाँ पर मिट्टी से कोटिंग करी गई, फिर उसके बाद यहाँ पर गोबर से लेप लगाया गया था। अब यहाँ पर पेंट हो रहा है येलो कलर का, आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, यहाँ पर जिस मिट्टी का लेप लगाए गए हैं वो मिट्टी हम दूसरे गांव से लाए हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पीछे जो पहाड़ी है हमारे घर के सामने जो दिखती है उससे पार एक गाँव है, वहाँ से हम इस मिट्टी को लेकर आए हैं। तो फ्रेंड्स गाँव में टाइम पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती रहती हैं, अभी आज पानी नहीं आया है, तो आप देख सकते हैं मैं जा रहा हूँ। घर वालों को भी पानी की ज़रूरत है तो उनके लिए पानी लेकर जाएंगे हम घर, और हैडपम्प है हमारे गांव में लगा हुआ, तो हैडपम्प से ही लेकर जाएंगे। सब यहाँ पर देख सकते हैं ये है हैडपम्प, और यहाँ पर निकालेगा पानी, निकालेगा ना। बहुत दिनों से मैंने अपनी स्कूटी नहीं चलाई है, तो सोच रहा हूँ कि अपनी स्कूटी लेकर चलता हूँ। तो यहाँ पर है इसकी चाबी, और जो पुरानी वाली है उसी को चलाते हैं हम। तो जब पिछली बार गए थे तब भी मेरा भाई लेकर गया था, और बेसिकली अब वही चला रहा है, लेकिन 3 महीने हो गए हैं मैंने अभी तक नहीं चलाई है, तो आज मैं चलाता हूँ, फिर देखते हैं क्या। तो चलिए आप भी बन रही है मेरे साथ ब्लॉग में। सो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है हमारे वाली स्कूटी, जो कि है एक्टिवा का बेसिक मॉडल, और वहाँ पर है पापा वाली, तो अब हम इसको चलाएंगे। तो चलिए अभी करते हैं इसको स्टार्ट। ले तू मार, किक मार। रुको, हो जाएगी। ओए ओए छोड़ दे, बंद कर दे। गाइस अभी आप देख सकते हैं कितनी गंदी कंडीशन है, मतलब इसकी कैसे किस तरह की आवाज करती है, कट कर कर। हाँ अब हुई। और बस अभी सोच रहे हैं कि ऊपर जाएं या नीचे, क्योंकि हमारे घर से ऊपर ही आप देख सकते हैं इस तरह का रास्ता है, और दूसरी तरफ कुछ इस तरह का रास्ता आप देख सकते हैं, और रास्ते की कंडीशन बहुत ख़राब हो गई है ऊपर से भी और नीचे से भी। और ऊपर से ये है कि अगर ऊपर बंद हो गई तो हम इसको नीचे ला सकते हैं, और अगर नीचे बंद हुई तो धक्का कौन देगा। तो अभी सोच रहे हैं कि ऊपर ही चलते हैं, तो चलिए अभी चलते हैं ऊपर। सामने आप देख सकते हैं पूरे रास्ते में पत्थर ही पत्थर गिरे हुए हैं, तो जाना तो हमें पड़ेगा ही, तो चले बने रहिए ब्लॉग में। तो
फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हैं हम घर से इतनी दूर आ गए हैं और यहाँ पर रास्ता बिल्कुल भी नहीं था स्कूटी चलाने के मुताबिक, बट फिर भी हम ले आए हैं। और यहाँ पर एक बार देखिए रास्ता किस तरीके का है, और यहाँ पर हम ले जाने को तो ले जा सकते हैं बट फिर फ़ायदा नहीं होगा, पेट्रोल ही खर्च होगा। अभी चलिए नीचे चलते हैं, थोड़ी सी राइडिंग कर लेते हैं। फ्रेंड्स, यार आज तो बाल बाल बच गया। वैसे कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, घास ही था, लगती नहीं इतनी, बट फिर भी यार 3 महीने के बाद थोड़ा सा मतलब आ ही जाती है थोड़ी सी प्रॉब्लम चलाने में, और ये स्कूटी भी फिर ऐसी है, तो कोई बात नहीं। चलिए अभी चलते हैं घर। पत्थर पे गिरते, कोई बात नहीं यार, ऐसा होता है, होता रहता है। छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें होती हैं, नहीं नहीं, छोटे छोटे गांव में बड़ी बड़ी बातें होती हैं। हाँ, होती रहती है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखते हैं यहाँ पर भी पहाड़ और वहाँ पर भी पहाड़ और बीच में रास्ता, इसमें मतलब यार राइडिंग करने का मजा ही अलग है, अल्टीमेट मजा। आपको कितना मजा आया? मजा आया बहुत, मजा आया आपको? हाँ, गिरा कौन? गिरा तो मैं, हमें मजा आया। हाँ, आपको तो मजा आया। सो फ्रेंड्स, फाइनली अभी हम घर पहुंच गए हैं और घर से कर देखते हैं कितना पेंट हुआ है घर में। आप देख सकते हैं ये वाली वॉल नहीं हुई थी तो ये भी हो गई है, और ये भी पूरी हो गई है, और ऊपर से भी हो गई है। आपको ये वाला ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे ब्लॉग अच्छे लग रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि मैं अभी कल चेक कर रहा था तो यार 67% लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी और पर सेट कर लो। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।